ओम शांति। आज हम आटे का हलवा बनाएंगे। आटे का हलवा बहुत आसान होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसको गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद भी कहते हैं। तो आटे के हलवे के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, आटे के हलवे के लिए हमने एक कटोरी आटा लिया है, आधी कटोरी चीनी ली है, 5-6 बादाम हैं, 5-6 काजू हैं जो हमने काट कर तैयार कर लिए हैं, और 5-7 ही किशमिश हैं, और 4 से 5 इलायची हमने पीस कर उसका पाउडर बना लिया है। एक कटोरी घी है, और एक कटोरी आटे के लिए हमने उसमें 3 कटोरी पानी भी ले लिया है। चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। हमने जो आटे के लिए पानी लिया था वो इस भगोने में डाल दिया है और गैस को जला देंगे, और एक तरफ हम दूसरी गैस पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है और उधर पानी हमारा बॉयल होने हमने रख दिया है। कढ़ाई गर्म हो रही है और हम इस पे 2 चम्मच घी डालेंगे, और घी मेल्ट होगा और हम इसमें आटा डालेंगे, और अब हम इसको भून लेंगे, और हम इसे जब तक भूनते रहेंगे तब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन होने तक हम इसे भूनते रहेंगे और गैस को मीडियम कर लेंगे, और हमें लगेगा कि ये ब्राउन हो रहा है तो हम इसको और थोड़ी कम भी कर सकते हैं, गैस को और स्लो कर लेंगे, लेकिन तेज आंच पे इसको नहीं भूनेंगे। अब देखो हमारा आटा हल्का ब्राउन हो गया है, और अभी हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे। इधर हमारा पानी बॉयल हो गया है, हम इस गैस को बंद कर देंगे, और आटा हमारा बहुत ही जल्दी 3 से 4 मिनट में अच्छा ब्राउन हो जाएगा। देखो हमारा आटा डार्क ब्राउन हो गया है, और हम गैस को सिम कर कर और इसमें ये पानी उबला हुआ और चीनी डाल देंगे। जब तक चलाते रहेंगे इसमें लम्स ना पड़े, कि गांठें पड़ जाती हैं तो फिर हलवा अच्छा नहीं होता, और गैस को हम स्लो ही रखेंगे। देखिए हमारा हलवा तैयार हो गया है, कितना अच्छा इसमें कलर आ रहा है ब्राउन ब्राउन, और ये 2 मिनट के लिए अब हम इसे छोड़ देंगे जिससे चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर किसी को हलवे में ज़्यादा घी डाल के खाना है तो 2 चम्मच घी और डाल सकते हैं अभी इसी टाइम। मैं वैसे कम घी का ही हलवा बनाऊंगी क्योंकि वो हेल्दी भी रहेगा और अच्छा भी लगता है। देखिए अब हमारा हलवा तैयार हो गया है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और हम इसमें अब थोड़े से काजू बादाम डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको गैस को अब बंद कर देंगे और थोड़ी सी देर के लिए इसे ढक के छोड़ देंगे। देखिए हमारा हलवा तैयार हो गया, कितना अच्छा कलर आया है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।